डियर स्टूडेंट, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस द सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट एंड नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। हियर वी हैव टू सॉल्व सम एग्जांपल इन विच वी हैव टू फाइंड आउट द सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट। एग्जांपल इज इफ ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, फाइंड सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट। सिंस देयर आर थ्री एलिमेंट, देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 to the power 3, दैट इज 8। देयरफॉर 5 इज द फर्स्ट सबसेट, करली ब्रैकेट 1, करली ब्रैकेट 2, करली ब्रैकेट 3, करली ब्रैकेट 1, 2, करली ब्रैकेट 2, 3, करली ब्रैकेट 1, 3 एंड करली ब्रैकेट 1, 2, 3। देयर आर एट सबसेट ऑफ ए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दैट इज द सबसेट। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट दिस इज 2 to the power 3 minus 1, 8 minus 1 इज इक्वल टू 7, इट मीन्स 5, curly bracket 1, curly bracket 2, curly bracket 3, curly bracket 1, 2, curly bracket 2, 3, curly bracket 1, 3। There are 7 proper subset of the A. Here we have to prove the theorem. How can we have to show that phi is a subset of any set? Here to show that phi is a subset of any set। phi किसी भी सेट का सबसेट होता है, कैसे प्रूव करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्क्राइब द डेफिनेशन ऑफ अ सबसेट। वी नो द एनी सेट इज अ सबसेट ऑफ द अदर सेट इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट लाइज इन द अदर सेट। हियर we have to prove that theorem, we have to use the converse process of the definition। यहाँ phi को किसी set का subset prove करने के लिए हम उल्टा सोचेंगे। कोई भी set किसी दूसरे set का subset कब हो रहा है? कोई भी set किसी दूसरे set का subset तब हो रहा है जब पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में आ जाएं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम कहें कि किसी सेट में कोई एलिमेंट ऐसा ढूंढिए जो दूसरे सेट में ना हो, किस कंडीशन में? जब पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट हो, तो हमारा आंसर होगा कि हम पहले सेट में कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढ नहीं पा रहे हैं जो दूसरे सेट में न हो। ऐसा हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो ऐसा हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हैं। सेम यही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई की जाएगी। हियर इफ सिंस प्रूफ सिंस phi हैज नो एलिमेंट, phi हैज नो एलिमेंट दैट डज नॉट लाइज इन एनी सेट, इन एनी सेट ए।
फाई में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए में लाई नहीं कर रहा है। दैट इज ऑल द एलिमेंट ऑफ फाई, ऑल द एलिमेंट ऑफ फाई फाई लाइज इन ए। देयर फोर फाई इज अ सबसेट ऑफ ए। फिर से एक बार सुनिए, थोड़ा सा सुनना पड़ेगा, इसमें समझना पड़ेगा। क्या हमको प्रूव करना है कि फाई किसी भी सेट का सबसेट होता है? तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो हमने कहा कि हम एक सेट लिए ए, एक सेट सपोज कर लीजिए कि हमने ए लिया और एक दूसरा सेट बी लिया। ए को बी का सबसेट दिखाना है, ए को बी का सबसेट दिखाना है। इसका मतलब कि ए का सारा एलिमेंट किस में है? बी में है। ऑल द एलिमेंट ऑफ ए लाइज इन अ बी। तो अब हमसे कहा गया है कि देन वी हैव टू फाइंड आउट द एलिमेंट इन ए दैट डज नॉट लाई इन बी। तो हमारा आंसर हुआ कि हमको कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिला, किस में? ए में नहीं मिला, जो बी में ना हो। तो यह किस कंडीशन में नहीं मिला? यह उस कंडीशन में नहीं मिला जब ए का सारा एलिमेंट किस में था? बी में था। सेम वही चीज़, फाई हैज नो एलिमेंट दैट डज नॉट लाइज इन इन एनी सेट ए। फाई में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए में न हो। तो इसका उल्टा, कि इसका मतलब ऑल द एलिमेंट ऑफ फाई लाइज इन ए। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आ रही होगी कि फाई में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं है। हमको ऐसे नहीं सोचना है, हमको सोचना है सबसेट की डेफिनेशन पे जाके। सबसेट की डेफिनेशन है क्या? तो सबसेट की डेफिनेशन दो सेट में दिखाने के लिए हमको यह सोचना पड़ता है कि पहले सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में है कि नहीं है। तो हमने यह देखा कि हमसे कहा गया कि ढूंढिए फाई में कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढिए जो ए में न हो। तो जैसे हमसे एक क्वेश्चन किया गया कि फाई में कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढिए जो ए में ना हो, तो तुरंत हमारा आंसर क्या होगा कि फाई में हम कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढ नहीं पा रहे हैं। आप इस पे मत जाइए कि फाई में कोई एलिमेंट, तुरंत आपके दिमाग में यह भी आएगा कि फाई में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं है, तो हम ढूंढे कैसे? आपको यह नहीं कहा जा रहा है कि फाई में कोई एलिमेंट है कि नहीं है। आपको यह पता है कि फाई में कोई एलिमेंट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आपको दो सेट लिखा गया है, एक सेट फाई है और एक सेट ए है। आपको बस यही खोजना है कि फाई में कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो ए में है कि नहीं है। तो वहाँ पे आपको आंसर क्या बताना है कि फाई में कोई आप ऐसा एलिमेंट ढूंढ पा रहे हैं? तो आपका आंसर होगा नो, वी हैव नो एलिमेंट इन अ फाई दैट डज नॉट लाई इन ए। इट देन द कन्वर्स ऑफ दैट स्टेटमेंट इज फाई, ऑल द एलिमेंट ऑफ फाई लाइज इन ए, देयर फोर फाई इज अ सबसेट ऑफ ए।